स्वागत है आपका हमारी सीरीज में। इस वाली सीरीज में हम एसएससी द्वारा जो एग्जाम होने वाला है 20,000 स्टाफ एमटीएस का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इससे पहले वैकेंसी अगर हम देखते हैं तो एमटीएस की जो मेन वैकेंसी जिसका एग्जाम जाता है, सब बच्चे पढ़ेंगे, वे है 10,880 के अप्रोक्स यहाँ पे पोस्ट दी गई है, जिसमें आप बच्चा एमटीएस का फॉर्म फिल कर सकता है। इसी के साथ में अगर हवलदार की बात की जाए तो हवलदार की जो वैकेंसी आई है, इसी के साथ में उसकी जो पोस्ट दी है 529 दी गई है। तो इस प्रकार से 11,000 से ऊपर लगभग वैकेंसी दी गई है। तो जो आपका एज होना चाहिए वे एज 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। जो एज है दी गई है वो 18 से 25 के बीच में। जिन बच्चों की एज है वे आराम से इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी के एससी एसटी के लिए जो एज का प्रावधान बताया गया है वे है कि अगर एज आपकी निकल जाती है, वो निकलने के बाद एससी एसटी वालों की है 5 ईयर के अंदर आती है, तो वह बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी के साथ में देखा जाए ओबीसी जो दिया गया है, ओबीसी में जो बच्चे हैं उनकी एज 3 ईयर के ऊपर नहीं निकालनी चाहिए। अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें एज का प्रावधान दिया हुआ है। इसी के साथ अगर हम आगे एप्लीकेशन फी की बात करते हैं, तो जो फी का इसमें पेएबल बताया है, फी पेएबल 100 रुपीज ओनली, 100 रुपए आपके इसमें लगने के हैं। इसी के साथ एमटीएस लाइन के चार्ज है थोड़ा वो लग सकता है एक्स्ट्रा, बाकी जो फीस बताई गई है वो 100 रुपए ही इसमें लगी है। 100 रुपए आपकी फीस लगेगी इसका एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए। आगे हम देखते हैं, जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक चीज का और ध्यान देना है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, कौन से सेंटर तक आप जा सकते हैं वही सेंटर आपको उसमें फिल करना है, जिसमें कि इस अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है, जैसे कि भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, अलग अलग टाइप, तो सभी का कोड दिया हुआ है। तो जहां सेंटर, जिस सेंटर पर आप जा सकते हैं वो कोड आपको फिल करना है, वहीं पर आपका सेंटर होगा। और पास के सेंटर के लिए आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कीजिए, जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी सेंटर पे आपके उसी वाले पे आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जितना लेट फॉर्म रहता है वह सेंटर फिल हो जाता है, फुल हो जाता है, तो फिर हमको अलग अलग जगह पे भी जाना पड़ सकता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, जो भी कोड दिया हुआ है उसके अनुसार आप उसे फिल करें, कोड पहले से ही लिख लें कहाँ कहाँ कौन से सेंटर पे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया हुआ है, अब मेन टॉपिक जो हमारा आता है एसएससी एमटीएस के लिए, जो एग्जाम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, किस टाइप का एग्जाम होने वाला है, उसकी जानकारी आज हम और देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। जो बच्चे हवलदार के लिए भी पोस्ट फिल करेंगे, जब हवलदार करने के इच्छुक हैं वे ये दोनों टेस्ट देंगे। एमटीएस वालों के लिए ये टेस्ट नहीं देना है, एमटीएस वाले ओनली एग्जाम देने के लिए जाएंगे। इस बार एसएससी एमटीएस ने एसएससी ने नया ऑप्शन स्टार्ट किया है, पहले हिंदी इंग्लिश में नॉर्मल रहता ही था, अब आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ की जो लैंग्वेज है उस पर भी आप अपने पेपर को देख सकते हैं, जो कि 13 भाषाएं इसमें दी गई है। तो इसमें दिया कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन will be conducted in Hindi and English. हिंदी और इंग्लिश में तो नॉर्मली जो रहता है वो रहता है, लेकिन इसके साथ में 13 अलग रीजनल लैंग्वेज में भी इसमें एड किया गया है। इस बार आप अपने क्षेत्र की भाषा को भी अपने एग्जाम में देख सकते हैं और उसके अनुसार इसमें एग्जाम में पास हो सकते हैं, जैसे कि असम दिया हुआ है, बंगाल दिया हुआ है, कन्नाडा, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, मराठी, तमिल, तेलुगु आदि इसमें भाषाएं दी गई हैं। इसके अकॉर्डिंग इस बार पेपर आएगा और आप उसमें पढ़ के अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ये एक नया टॉपिक हमने ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है जो मेन है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त और करते हैं, जैसा कि इसमें शो हो रहा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अब एग्जाम तो अलग अलग लैंग्वेज में हो गया, जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे उसमें आपका एग्जाम आएगा। अब एग्जाम किस टाइप के और कितने होने हैं उसके बारे में देखते हैं, जैसे कि इसमें दिया सब्जेक्ट सेशन 1 और सेशन 2। एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होने वाला है वो 2 सेशन में होगा, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 जो है वो ओनली आपको सिर्फ पास करना है, इसके नंबर आपके जो रिजल्ट आएगा उसमें नहीं जुड़ेंगे, बस आपको उसको देना है और आपको उसको क्लियर करना है। तो उसमें जो टॉपिक दिया गया है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक्स एबिलिटी, जो कि इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ द क्वेश्चन आएंगे 20, मैक्सिमम मार्क्स जो आएंगे वो होंगे 60, 20 क्वेश्चन के 60 मार्क्स रहेंगे, जो कि 45 मिनट का रहेगा। ये सिर्फ क्वालिफाई है, आपको इसका एग्जाम देना है, वो क्वालिफाई करना है, इसमें नंबर एड नहीं होंगी। और इसी के साथ में मेन इन्फॉर्मेशन, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, जो पहला सेशन होगा उसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। इसी के साथ नेक्स्ट जो मेन पेपर रहेगा सेशन 2 का, इसमें जनरल अवेयरनेस जो रहेगा उसका पेपर होगा, जो कि 25 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के, 25 3 75, मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। इसी के साथ इसके लिए भी हमको 45 मिनट मिलेंगे,
जो कि आपको एग्जाम देने के लिए दिए जाएंगे। इसके साथ जो इसमें सब्जेक्ट ऐड किया गया है, इसी के साथ अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा, जो कि 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 नंबर के, ऐसे 3 अंकों का एक क्वेश्चन रहेगा, ये भी 45 मिनट के लिए ही आपका रहेगा, सेम ही है। तो मतलब हमारा जो फर्स्ट एग्जाम सेशन फर्स्ट होने वाला है, वो सिर्फ आपको क्लियर करना है, सिर्फ उसमें पास होना है, क्वालिफाई करना है, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल मैथमेटिक रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग की चीजें आनी चाहिए, ये सिर्फ बेसिक तौर पे है, जो इसमें माइनस मार्किंग नहीं है फर्स्ट में, सेकंड में आप पूरे कर सकते हैं अच्छे से, और जो सेकंड है सोच विचार के अच्छे से कीजिएगा, इसमें कि आपका सिलेक्शन हो, माइनस मार्किंग दी गई है तो इसमें आपके नंबर कट सकते हैं। तो ये हमारे 25-25 क्वेश्चन रहेंगे 75 नंबर के। इस प्रकार इसमें जो सेशन दिए गए हैं, दो सेशन रहेंगे, इसमें माइनस मार्किंग, ऊपर वाले माइनस मार्किंग रहेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।